मिशन 2023 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहडोल में आम सभा कर आगामी विधानसभा 2023 की शहडोल शुरुआत कर दी है। मंच से कमलनाथ ने भाजपा को आड़े हाथों लेते शिवराज सिंह चौहान को 11 माह बाद हिसाब लेने की बात कही। इसके साथ ही पीएम व सीएम को कांग्रेस के 70 सालों में जो काम किया है, उन 70 सालों में जिस स्कूल में पीएम पढ़े हैं उन्हें कांग्रेस ने ही निर्माण कराया था, जिस आदिवासी वोट बैंक के बलबूते 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, उस वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस शहडोल से अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आदिवासी वोटरों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुमराह और ध्यान मोड़ने की राजनीति से सावधान रहिए। जब हम इनसे पूछते हैं रोजगार का क्या हुआ, ये इनका जवाब है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बताता हूं, मोदी जी जिस स्कूल में आप गए, अगर गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। हमसे मत पूछिए कि हमने क्या किया। आप तो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, 2013-14 में जो बात करते थे 2019 में ये बात नहीं करी। पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। इनके पास एक नाम नहीं ले सकते स्वतंत्र संग्राम सेनानी का, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं तो इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया